शेमस के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है कि शेमस जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है, और द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर रफ पहले ही रेसलमेनिया 40 के ऑफिशियल म्यूजिक के संबंध में बातचीत कर चुके हैं। हो सकता है कि द वीकेंड का यूज रेसलमेनिया 40 के म्यूजिक के लिए नहीं किया जाए। रेसलमेनिया 40 में लाइव परफॉर्म करने की बात की गई है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है, और ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी की टीम जल्दी टूटने वाली नहीं है। रेसल वोट्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी की टीम एक शॉर्ट टर्म टीम बनने वाली थी, लेकिन अब प्लान बदल गए हैं। उम्मीद है कि दोनों लंबे समय तक एक साथ रह सकते हैं, और उनके रेसलमेनिया सीजन के समय एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाने की उम्मीद है। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक है, और इस हफ्ते स्मैकडाउन में सीएम पंक और पॉल हेमन का सेगमेंट हो सकता है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग इस हफ्ते स्मैकडाउन में पॉसिबली सीएम पंक का पॉल हेमन के साथ सेगमेंट या बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा कि पॉल हेमन को इस हफ्ते स्मैकडाउन के लिए शेड्यूल किया गया है। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके लिए धन्यवाद।